हेलो दोस्तों, तो हम रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं नई जर्नी पर। तो लेके चलते हैं आपको इटली में एक नई जगह, जहाँ हम फिर से सेम कंपनी बट डिफरेंट डेस्टिनेशन, तो बनी रहेगा। Crossing Morang, another district, and then we'll be again crossing Japa, and then we'll be reaching Antu, which lies in Ilam. Ilam. So हम दूसरे district में जा रहे हैं. One route to Sri Antu, लेकिन हमें coffee की बहुत ज़रूरत पड़ गई, तो हम रुके हुए हैं coffee पीने के लिए. Finally एक coffee shop मिला हुआ है, तो let's drink some coffee, energize ourselves, और आगे चलते हैं Sri Antu. कॉफी पीनी हो? Yes, we'll drink coffee. हमारा कॉफी हम पी चुके हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुके हैं, तो चलते हैं श्री अंतु की तरफ। वेलकम टू इलाम, वेलकम टू कन्यम। हमारा ग्रुप यहाँ फोटो शूट करते हुए, और आपको भी दिखाते हैं कन्यम का ब्यूटीफुल हिली, इसीलिए इसको नेपाल का हिल स्टेशन बोला जाता है। लुक एट दिस टी गार्डन। पहुँच गए लव टारा। यहाँ पे बहुत है ठंड, और हम सब लगा रहे हैं अपना चैनल। अभी ऐसा है, पता नहीं ऊपर जाके कैसा होगा, कैसा और हम होगा? खाने वाले थोड़ा सा मोमो। अगर नेपाल आए और आपने मोमो नहीं खाया तो क्या तो खाया? क्या नेपाल आए, तो चलिए खाते हैं मोमो। पर हमने सुना है कि यहाँ बहुत ही स्पेशल मोमो मिलता है, तो लेट्स सी है कि नहीं स्पेशल मोमो मिलता है। आपने सुना होगा वेज मोमो, चिकन मोमो, लेकिन यहाँ है इस्कुस का मोमो। अब इस्कुस को क्या बोलते हैं, हाँ मैं आपको टैग कर दूंगा, लेकिन देखते हैं इस्कुस का मोमो कैसा होता है। साउंड से तो हमें अजीब लग रहा है, इट्स वेरी वियर्ड, लेकिन सबने बताया, भाई ने सबने बताया कि इस्कुस का मोमो बहुत ही अच्छा होता है। इन सब ने खाया है, सानिया मैंने खाया है, भाई ने खाया है, तो लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है और आपको बताएंगे। दोस्तों ट्राई करते हैं इस्कुस का मोमो, थोड़ा सा चटनी के साथ। चटनी दे है, चटनी के साथ अच्छा है। अच्छा अच्छा है, आपको पता नहीं चलेगा टेस्ट, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है, बट अच्छा है। नहीं मोमो बहुत ही लाजवाब था। और आइए जानते हैं आंटी से, दीदी से, कब तक, कब से बना रहे हैं, कहाँ रहते हैं। हामीले पहिला देखि नै हो मोमो पसल खोलेको त। हजुर, तो यो स्क्वासको मोमो चाहिँ तपाईले, स्क्वासको मोमो भनेको यहाँको फेमस हो के। हजुर, अब घरतिरदेखि लिएर यो फिकलो एरियादेखि लिएर झापामा चाहिँ हामी बनाउँदैन होइन, यताको चाहिँ अब प्रायः जस्तो इस्कुसकै मोमो फेमस छ, यहाँको चाहिँ स्क्वासको मोमो फेमस छ। तो दोस्तों अगर आप आए यहाँ तो ज़रूर आइएगा दीदी के स्टॉल में, और स्क्वाश का मोमो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चाय भी फर्स्ट क्लास। फाइनली हम आ पहुँचे हैं हमारी डेस्टिनेशन श्री अंतु। हमारा जो लॉजिंग है वो बड़ा ही यूनिक और अनोखा होने वाला है। लॉज 5 स्टार सब रह चुके हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा हेरिटेज
लोकल जगह में हम रहने वाले हैं, आपको थोड़ा देर में टूर करेंगे। फाइनली ऑन टू इलाम डिस्ट्रिक्ट, दिखाते हैं हमारा रूम। भैया ने बताया ये ओल्ड 1979 का ये होम है, जिसको उन्होंने होम स्टे पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपको बहुत ही हेरिटेज का फील मिलेगा आपको यहाँ। जैसे नॉर्मल रिजॉर्ट्स में है तो आप रह चुके होंगे, लेकिन ये रियल माउंटेन फील है, और हिल स्टेशन में आने के बाद आपको रियल फील आने के लिए यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो मैं इनका लिंक और फ़ोन नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ आना हुआ श्री अंतु डेफिनेटली ट्राई करिएगा। Good morning from the hill station of Nepal. दोस्तों हम आ पहुँचे हैं द टी गार्डन, द हिल स्टेशन ऑफ नेपाल श्री अंतु। कल रात हो गया था तो हमने ये व्यू नहीं ले पाए, लेकिन इट्स अमेजिंग। हमें घर जाने का मन नहीं कर रहा है, वी वुड जस्ट लाइक टू स्टे हियर, इट्स सो पीसफुल। और स्पेशली अच्छी कंपनी हो तो आपको और भी अच्छा लगता है। तो देखिए आपको जल्दी दिखाते हैं आपको कितनी पीस है यहाँ और यहाँ का ब्यूटी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और हम घिरे हुए हैं टी गार्डन से। ये सब टी प्लांटेशन है और ये चारों तरफ फैले हुए हैं पूरे, और यहाँ ब्यूटीफुल सा एक लेक भी है मेरे पीछे, यहाँ आप वॉक के लिए जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ पैराडाइज। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर जगह है। आप कभी भी नेपाल आओ तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कल रात से आज मॉर्निंग तक का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ टाइम स्पेंड करके। तो दोस्तों हमारा श्री अंतु का जर्नी ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, लेकिन हम लेके आएंगे और नई स्टोरीज, नई जगह और नई जर्नीज आपके लिए। तब तक देखते रहिए न्योपानी डायरीज। बाय।